हेलो दोस्तों, देखिए आखिर भारत के सो कॉल्ड क्लास बल्लेबाज किस पिच पर बल्लेबाजी करेंगे। आज एसएसबी जायसवाल ने विशाखापट्टनम की पिच पर एक अलग बंदा लग रहा था कि उसके लिए पिच काफी इजी हो गई, काफी आसान हो गई, लेकिन दूसरे बल्लेबाजों के लिए ये पिच इतनी मुश्किल क्यों हो गई। आखिर में एसएसबी जायसवाल जो यंग खिलाड़ी है, जो पहली मुकाबले में भी पहली पारी में 80 रन बनाया, आज भी 179 रन बना के खेल रहा, नॉकआउट पूरा दिन खेलता रहा, लेकिन बाकी बल्लेबाज क्या कर रहे थे वहां पर, चाहे रोहित शर्मा हो गए, चाहे शुभम गिल हो गए, चाहे श्रेयस अय्यर हो गए। मैं रजत पाटीदार को कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि रजत पाटीदार का डेब्यू था, जिस तरह से आउट हुआ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुआ, अनलक्की तरीके से आउट हुआ। गेंद आराम से उसने डिफेंस किया और डिफेंस करने के बाद गेंद पीछे होकर स्टंप टकराई, तो उसको मैं आउट मानूंगा नहीं। बाकी अक्षय पटेल को प्रमोट किया गया, अक्षय पटेल क्या कर रहे थे, अक्षय पटेल क्या किए, केएस भरत अपनी विकेट फेंक के गए हैं, अक्षय पटेल अपनी विकेट फेंक के गए हैं, शुभम गिल अपनी विकेट फेंक के गए हैं, यार मतलब समझ से बाहर है। सैयर हर गेंद मंदा लग रहा, डर डर खेला था, कभी पीछे कभी आगे, कभी दाएं कभी बाएं, बस यही हो रहा था। और सबसे बड़ी बात है आज रोहित शर्मा किस तरह से खेल रहे थे, रोहित शर्मा मैंने खेलते कभी इस तरह नहीं देखा कि बंदा मतलब कि आपको पता है कितना डिफेंसिव खेल रहे थे, क्योंकि उन्हें रन बनाने की होड़ थी कि हमें रन बनाना, क्यों रन बन नहीं रहे, रोहित शर्मा के रन बन नहीं रहे, लेकिन कप्तान है इसलिए वो ड्रॉप नहीं होंगे, वो ड्रॉप की बातें नहीं चलेगी, लोग उनकी बातें नहीं करेंगे, रोहित शर्मा की बातें। लेकिन बाकी शुभम गिल और श्रेयस अय्यर के आसपास बहुत सुनहरा मौका था, मतलब कि एसएसबी जायसवाल ने 179 बनाया, भारतीय टीम पूरा दिन खेल के 336 पर 6 विकेट गिर चुके, 4 ही विकेट बचे हुए, और 4 विकेट कहना गलत है, ये मतलब कि एसएसबी जायसवाल प्रॉपर बैट्समैन है, अश्विन आप बैटिंग कर सकता है ये कह सकते हैं। और यहां से एक विकेट गिरता है, उसके बाद कुलदीप यादव है, मुकेश कुमार है, जसप्रीत बुमराह है, इनको बैटिंग वैटिंग करना बहुत ज्यादा नहीं आता है, 2-4 रन बना दे बहुत बड़ा बात होगी। और ये जो पिच है फ्लैट पिच है पूरी तरह से, 450 तो रन इसमें हमको लग रहा है कि पहली बैटिंग करते हुए 450 रन बताओ मिनिमम रन होगा इस पिच पे, क्योंकि जिस तरह पिच खेल रही है कुछ नहीं है पिच में भाई, कुछ भी नहीं पिच है। लेकिन आप तारीफ करने की एसएसबी जायसवाल की, एसएसबी जायसवाल जो इंटेंट दिखाया है, जो पॉजिटिविटी दिखाया है, जो सकारात्मक सोच के साथ आज बल्लेबाजी किया है, पूरा दिन बल्लेबाजी करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन एसएसबी जायसवाल ने करके दिखाया है और बंदा 200 के नजदीक। लेकिन सबसे बात है कल नया दिन होगा, कल दूसरा दिन होगा, एसएसबी जायसवाल को फिर से निगाहें टिकानी पड़ेगी, क्या टिका पाएंगे एसएसबी जायसवाल, क्योंकि आपको पता होगा जब 80 रन पे बल्लेबाजी एसएसबी जायसवाल पहले मुकाबले में हैदराबाद में टेस्ट में कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दूसरा दिन खेल शुरू होता वहां पर जो रूट ने उनको पहले ओवर में चलता कर दिया था, तो वहां पर एक मुश्किल लग रहा है भारत के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि 350 पे भारतीय टीम बुक हो जाए, अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा भारत के लिए, फिर यहां से मुकाबला बचाना भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पहले से ही भारतीय टीम 1-0 से इंग्लैंड आगे है, भारतीय टीम पीछे है, तो अब देखिए यहां पे क्या है। एसएसबी जायसवाल के लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि एसएसबी जायसवाल बहुत तगड़ा पारी खेल रहा है, हम सब चाहते हैं कि एसएसबी जायसवाल कल 200 करे, लेकिन आगे उन और बल्लेबाजों क्या, चाहे रोहित शर्मा हो गए, चाहे आपके शुभम गिल हो गए, चाहे श्रेयस अय्यर हो गए, चाहे अक्षर पटेल को मौका मिला वो क्या कर लिए हैं, उसके बाद देखिए मानते हैं अक्षर पटेल गेंदबाज, लेकिन उनको बल्लेबाज की हैसियत से ज्यादा खेला जाता है, गेंदबाजी से कम लेकिन बल्लेबाजी से ज्यादा खेला जाता है। केएस भरत विकेट कीपर है और केएस भरत कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार मुझे भी तेज खेलना है, ऋषभ पंत क्योंकि बातें होती है सोशल मीडिया पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि केएस भरत थोड़ा धीमा खेलते हैं, उनके इंटेंट कमी है, तो आप इंटेंट के दिखाने के चक्कर में आउट हो गए हो, सोबाजी करने के चक्कर में आउट हुए, लेकिन इंग्लैंड की तारीफ करनी पड़ेगी, टॉस हारने के बाद 336 विकेट गिरा दे तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी यहां पर स्पष्ट दिखाई पड़े, साफ दिखाई पड़ रही है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शोएब बशीर, जिसको लेकर पहले मुकाबले वीजा को काफी इशू बना था, उनको फिर से इंग्लैंड जाना पड़ा, इंग्लैंड से फिर से उनको मतलब अपना दस्तावेज प्रूफ कराकर फिर से लाए और यहां पर उनको डेब्यू करने का मौका मिला, डेब्यू पर ही आज बहुत शानदार बॉलिंग किया और कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स की कप्तानी खराब लगी मुझे, क्योंकि जिस तरह से शोएब बशीर बहुत अच्छी बॉलिंग किया है और रोहित शर्मा का अपना डेब्यू मैडन विकेट भी लिया उन्होंने। और देखिए रेहान अहमद थोड़ा बाद लेके आए, रहमान अहमद आते ही 2 विकेट लिया भारत का, चाहे वो केएस भरत हो गए चाहे अक्षर पटेल हो गए, लेकिन बाकी बल्लेबाज आखिर कर क्या रहे थे। बाकी देखिए जेम्स एंडरसन की जितनी तारीफ करो कम, बंदा 41 साल का है, उसके बाद जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं 2 विकेट उन्होंने लिया। आज शुभम गिल जिस तरह से मतलब खेलते आउट हुए, यार देखते बड़ा बुरा लगता है, देखते बहुत बुरा लगता है, मतलब कि हद होती है, मतलब इस तरह से आप कैसे खेल सकते हैं इतने बड़े ओकेशन, मतलब कि आपको पता है कि ये कोई लॉर्ड्स की पिच नहीं है, इंग्लैंड की पिच नहीं है, यहाँ पे लीड्स की पिच नहीं है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं है, ये भारत की पिच पे, इस पर आपको फास्ट बॉल आउट कर रहा है,
ये मतलब सोच के बड़ा अजीब लगता है, बड़ा ही अजीबो कसमस का है कि ये मतलब कि शुभम गिल जिस तरह से आज अपनी विकेट फेंक गए हैं, प्रॉपर टिक गए थे, अच्छा खेल रहे थे, अच्छा लग रहे थे, रन बनाने की सोच रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि अपना विकेट फेंक गए। श्रेयस अय्यर तो मतलब मुझे पहली गेंद से बंदा समझ नहीं आता कौन सा क्या खेलना चाहता है क्या नहीं खेलना, चाहे स्पिन हो गए चाहे फास्ट बॉलर हो गई। रोहित शर्मा क्या मसला, रोहित शर्मा की यही मसला है भैया कि यार और उनको रन बनाना, उनको 10 पारियों से उनके बहुत ज़्यादा रन बने नहीं है, तो उनको रन बनाने की होड़ लगी हुई है, जिसकी वजह से आज काफ़ी डिफेंसिव खेल रहे थे, उसके चक्कर में आउट हुए, और पहले मुकाबले मार मार खेल रहे थे वहाँ भी आउट हो गए, तो बड़ा मसला चला रोहित शर्मा के साथ। वहीं श्रेयस अय्यर होगा चाहे शुभम गिल होंगे, काफ़ी गाज गिरने वाली है। और देखिए नीचे से भी आप केस भरत ने भी आज गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला है, मतलब शॉट नहीं था, जो शॉट खेला बिल्कुल शॉट था नहीं, बनता नहीं था, मतलब कि आप एकदम क्लोजिंग आ गए हैं, आपका दिन खत्म होने वाला, आप इस तरह शॉट खेले तो चलता नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं चलता हो तो। देखिए दिन में खेल खत्म हो चुका, भारतीय टीम 36 हो चुकी है, कल नया दिन स्टार्ट होगा, दूसरा दिन खेल समाप्त स्टार्ट होगा, वहां पे भारतीय टीम को यहां से कम 100 रन चाहिए, कम से कम बताओ 100 रन चाहिए यहां से। अगर 100 रन भारतीय टीम यहां 350 भी बुक हो जाती है, 400 अंदर बुक करे तो इंग्लैंड बहुत हैप्पी होगा, बहुत खुश होगा, क्योंकि इंग्लैंड इतनी फ्लैट पिच है, इंग्लैंड बहुत मार खेलेगा इस पे, ध्यान रखिएगा इंग्लैंड बहुत मार खेलने वाला है, और हमारे पास रविंद्र जडेजा नहीं है, हमारे पास अश्विन है, कुलदीप है, और देखिए अक्षर पटेल है, मुकेश कुमार को लिया कि मुकेश कुमार को मार पड़ सकती है, मुकेश कुमार की बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है, और देखते हैं यहां कैसी गेंदबाजी करते हैं, और जसप्रीत बुमराह तो आपको पता है एवरग्रीन है। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।